गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टैटिक जीके का टेस्ट सीरीज नंबर 12 करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग वन बाई वन करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा है आज का पहला सवाल, परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को किस सीमा तक सीमित करती है और बाकी का दायित्व भारत सरकार पर डाल देती है। तो ऑप्शन में है 1400 करोड़, 1500 करोड़, 1600 करोड़ और 1800 करोड़। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी जो हमारा है राइट आंसर हो जाएगा। तो परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को 1500 करोड़ रुपए तक सीमित करती है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्न युग्मों में से कौन सा से सुमेलित नहीं है, लोक नृत्य है और उससे रिलेटेड राज्य दिया हुआ है, बिहू, असम, घूमर, राजस्थान, भांगड़ा, केरल, लावणी, महाराष्ट्र। ठीक, तो कौन सा इसमें नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी का मतलब केवल 3 जो है वो गलत है, भांगड़ा केरल का नहीं है। ठीक है, तो बिहू जो है असम का लोक नृत्य है, घूमर जो है राजस्थान का लोक नृत्य है, भांगड़ा जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है और लावणी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है और भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का एकल शास्त्रीय नृत्य और कथकली जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को हुआ था, कहाँ पे हुआ था, बेंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में, विशाखापट्टनम में। तो ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर में। दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को बेंगलोर में हुआ। भारत का प्रथम मेट्रो कोलकाता मेट्रो है जिसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई। ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और दिल्ली मेट्रो सौर ऊर्जा से चालित प्रथम मेट्रो है। चालक रहित मेट्रो ट्रेन की शुरुआत दिल्ली मेट्रो में हुआ है और 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक ट्रेन चली थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आरबीआई के लोगों में कौन से पेड़ का चित्र है, ताड़, पीपल, बरगद और खजूर। तो ऑप्शन नंबर ए के लोगों में ताड़ के पेड़ का चित्र है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई का पहला मुख्यालय कोलकाता था। आरबीआई का मुख्यालय अब मुंबई में है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। अब हम आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 14 मई, 17 दिसंबर, 14 दिसंबर और 27 दिसंबर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा हर साल 14 दिसंबर को देश में भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और 15 मई को हम लोग विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है और 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, इंटरपोल, यूरेटम, रेड क्रॉस। तो घायलों, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रेड क्रॉस है। तो रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, तो 1863 में हुई थी, हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ है, तो जकार्ता में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो लियोन में है। लियोन कहाँ है, फ्रांस में है। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 ईस्वी में हुई थी। प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व रेडक्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, गार्डनर। ठीक, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी मतलब केवल 1, 2 और 3, चौथा इनका नहीं है। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद की कृति सेवा सदन, गबन और रंगभूमि है। गार्डनर के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लावेर कप संबंधित है, ठीक, तो लावेर कप किससे संबंधित है, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल और शतरंज से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 का, लावेर कप टेनिस से संबंधित है। लावेर कप जो है वो ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रॉड लावेर के नाम पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि टेबल टेनिस से कौन कौन से कप एवं ट्रॉफी रिलेटेड है, तो जयलक्ष्मी कप, रामानुज कप, बर्ना वेलेक कप, राजकुमारी चैलेंजर कप टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, अब हॉकी से संबंधित कौन कौन से है, चैंपियंस ट्रॉफी, आल्पस कप, बेटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी और इंदिरा गोल्ड कप। ठीक है, और फुटबॉल से कौन कौन से है, तो एशिया कप, डोरंट कप, संतोष ट्रॉफी, कलिंग कप और हमारा शतरंज से संबंधित ट्रॉफी नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी। ठीक है,
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हिटकर परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर है? कावेरी, घाट प्रभा, सरावती और काली। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर हमारा। हिटकर परियोजना घाट प्रभा नदी मतलब कर्नाटक पर है। काकड़ा पार परियोजना ताप्ती नदी पर है। नागपुर शक्ति परियोजना कोरडी नदी पर है। और नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है। और मेट्टूर एवं शिव समुद्र परियोजना कावेरी नदी पर है। और अंकेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है। और दुलहस्ती परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर है। और गांधी सागर परियोजना जो है वो चंबल नदी पर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। भारतीय नागरिक सेवा को इस्पात का चौखटा कहा जाता है, ठीक है। अब सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस ज्वाइन करने वाले प्रथम भारतीय थे। और भारत में ICS की परीक्षा 1922 से प्रारंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ। और भारत में वर्तमान में कुल 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। अब हम आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। वर्ष 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम, अदिस अबाबा, जुबा, सूबा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जुबा। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है, सूडान की राजधानी खार्तूम है, इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है, और सूबा फिजी की राजधानी है। और दक्षिण सूडान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। अफ्रीका महाद्वीप में के सोमालिया, इथोपिया एवं जुबूती को सामूहिक रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली GPS, रूस, कंपास नेविगेशन प्रणाली CNS, यूरोपीय संघ गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली अमेरिका, और गैलोनस नेविगेशन प्रणाली चीन। तो हम देखते हैं कि ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली जो GPS है वो अमेरिका में है, कंपास नेविगेशन प्रणाली CNS जो है वो चीन की है, और गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली जो कि यूरोपीय संघ की है, और ग्लोनस नेविगेशन प्रणाली रूस की है, ठीक। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो मैचिंग करता है, ठीक। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि GPS प्रणाली की शुद्धता जो होती है प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 100 मीटर होता है, ठीक है। और GPS प्रणाली के लिए न्यूनतम 4 सैटेलाइट की ज़रूरत होती है। अमेरिका GPS में कुल 33 सैटेलाइट है, जिसमें 24 हमेशा कार्यरत है और 9 बंद रहता है। भारत द्वारा अभी तक 8 उपग्रह को कक्षा में GPS के लिए व्यवस्थित किया गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है, ठीक है। तो इन किसके द्वारा प्रचित होता है पुस्तक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैम पित्रोदा एवं मेहुल देसाई, ठीक। द मार्च ऑफ मोबाइल मनी पुस्तक के लेखक सैम पित्रोदा एवं मेहुल देसाई हैं। सैम पित्रोदा का वास्तविक नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है, और सैम पित्रोदा को भारत में सूचना क्रांति का जनक कहा जाता है। और सैम पित्रोदा ने 1984 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिक्स की स्थापना की थी, ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की संजय लल जल विद्युत परियोजना एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में अवस्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 120 मेगावाट की है। संजय विद्युत परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर है। पोंग बांध परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना आदि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ठीक है। निम्मो बाजगो, बगलीहार, उरी आदि परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और माता टीला, रिहंद आदि परियोजनाएं जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। अब हम आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पर। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, लग्जेमबर्ग, पेरिस और न्यूयॉर्क। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लग्जेमबर्ग। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जेमबर्ग और ब्रुसेल्स में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। और यूरोपीय संघ का एकमात्र संसदीय संस्थान है, और यूरोपीय संसद जो है को यूरोपीय संघ की परिषद के रूप में भी जाना जाता है। अब हम आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। तवांग मठ का कहाँ स्थित है? तो असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो तवांग मठ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। सोलुंग, लोसार, मोपिन, खान, ओजियाल, बैरूबूट अरुणाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण त्यौहार है। पोंग नृत्य, दामिंदा डांस, बांचो डांस, तापू नृत्य, बुइया नृत्य, रिखम पाड़ा नृत्य और आदि अरुणाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण नृत्य हैं। अब हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? तो केरल, कर्नाटक, पंजाब और उड़ीसा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंबाली भैंसा दौड़ कर्नाटक का उत्सव है। जलीकट्टू जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। पंजाब में होली सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। पंजाब में यह त्यौहार होला मोहल्ला के नाम से प्रसिद्ध है।
श्री राखी पूर्णिमा उड़ीसा की सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? 17, 18, 19, 21। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18। महाभारत का जो युद्ध था वो 18 दिनों तक चला था। महाभारत की रचना वेदव्यास ने किया है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। रामायण और महाभारत भारतीय महाकाव्य हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी और उत्तर रामचरित की रचना जो है भवभूति ने की थी और भवभूति जो थे वो राजा यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। अब हम आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? विद्युतीय, लेजर, विद्युत चुंबकीय, वैमानिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेजर का। ठीक, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर का उपयोग किया जाता है। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। इसी तरह रोम का ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। इसी तरह रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब हम आते हैं 20वें क्वेश्चन पर, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? USA, कनाडा, UK, फ्रांस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज, विकास और उसका शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग करने से है। इस प्रकार हमारे 20 क्वेश्चंस यहीं पे खत्म होते हैं। अब हम कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि केरल का शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम भरतनाट्यम एवं कथकली का मिश्रण है। सौर ऊर्जा से संचालित रेल की शुरुआत भारत के केरल राज्य में हुआ था और 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और सबरी गिरी परियोजना जो है वो पंबा नदी पर है और अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। भारतीय पोजिशनिंग प्रणाली का नाम नेविक है और वैश्विक स्तर पर सूचना क्रांति का जनक आर्थर सी क्लार को कहा जाता है और लग्जमबर्ग जो है वो सरकारी परिवहन सेवा को पूर्णतः निःशुल्क करने वाला विश्व का प्रथम देश है। और रामचरित के रचनाकार संध्याकर नंदित है और SQL का फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक, इस प्रकार हमारा आज का टेस्ट सीरीज नंबर 12 यहीं पर समाप्त होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।